ना कोई आंधी, ना तूफान और ना ही भूकंप, फिर भी इन मकानों में ऐसी दरारें पड़ी हैं कि ये मकान किसी भी वक्त भरभराकर गिर सकते हैं। मामला है उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के राट कस्बे का, जहां कई मकानों में 6-6 इंच की दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे इन मकानों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। मैं रात में सोया हुआ था, जब सुबह उठ के देखा मैंने तो सारे मकान धसे हुए थे और पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा करके अब लोगों ने मकान जैसे बनाए, अब देखो क्या होता है। और रात में मकान में सोने ताला भी डाल दिया मेरे ने, और रात में सोने में भी डर लगा, इसलिए दूसरी जगह डेरा डाले हुए हैं। पाई पाई जोड़कर बनाए गए मकानों की हालत देखकर लोग सकते में हैं। कुछ लोग मकानों के नीचे पुरानी सुरंग को इसकी वजह मान रहे हैं, तो कई लोगों के लिए यह रहस्य बना हुआ है। मकानों में आई दरारें गहरी होती जा रही हैं, लिहाजा यहां रह रहे परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। दरारें आ रही हैं अचानक, और अंदेशा तो ये हो रहा है कि या तो बाड़ा जी के या फिर भूकंप। मकानों में आई दरारों से जहां पूरे इलाके में हड़कंप मचा है, वहीं जांच के लिए पहुंची प्रशासन टीम अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इस बीच मकानों की हालत को देखते हुए इन्हें खाली करने को कहा गया है। जांच में उन्होंने ये पाया कि ये मकान रहने लायक नहीं है, किसी भी टाइम ये कोलैप्स हो सकते हैं, तो उसी रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों ने उसको खाली करा लिया है। और ईओ नगर पालिका राठ ने उनको लिखित नोटिस दे दिया है कि आप इसमें नहीं रहेंगे, ये खतरा हो सकता है। इस इलाके में 2 साल पहले भी कई मकान धस गए थे। उस वक्त घटना के पीछे भूकंप के झटकों को इसकी वजह बताया गया था, लेकिन इस बार मकानों में दरारें वैज्ञानिकों की पड़ताल का विषय बन गई हैं।